हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ शालिका ठाकुर और आपके लिए हाजिर हूँ लेकर हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो क्या कुछ चल रहा है दोस्तों भारत में, वो आपको बताएंगे हम हर रोज की तरह लेकर ये खास कार्यक्रम हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में। और इसके साथ आप ये हमारा खास कार्यक्रम हमारे खास श्रोताओं के लिए सुन रहे हैं himachalabhiabhi.com पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री की बात करने जरूरी है, क्योंकि अपनी जड़ों से जुड़े रहा करो दोस्तों, क्योंकि अगर जड़ें ना होंगी तो ना वजूद रहेगा और ना ही बुनियाद। तो बात करते हैं सबसे पहले आज की हिस्ट्री की। तो देश में 1856 में पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदू विधवा का विवाह करवाया गया था आज के दिन। और आज ही के दिन भारत ने 1995 में संचार उपग्रह इनसेट 2C का प्रक्षेपण किया था। आज के दिन रमन सिंह 2003 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे। आज ही के दिन 2008 में भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने जापान टूर का खिताब जीता था। भारतीय क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ मुखर्जी का जन्म आज के दिन 1879 में हुआ था। और आज के दिन को बेहद ही खास दिन के रूप में मनाया जा रहा है। जी हाँ, आज के दिन को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये थी इतिहास की बातें, ये थी हिस्ट्री की बातें जो कि हमारे लिए जानना जरूरी होता है। चलिए बढ़ते हैं आज की टॉप 7 न्यूज की ओर। क्या कुछ टॉप 7 न्यूज में चल रहा है, देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो आपको बताते हैं। तो 8 दिसंबर को होगा किसानों का भारत बंद, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी है। और कल यानी कि 8 दिसंबर को किसान जो हैं पूरे देश भर में बंद का ऐलान कर दिया है उन्होंने, और भारत बंद जो है कल करेंगे। तो कौन कौन सी वो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका उन्हें सहयोग मिल रहा है उनके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। तो 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद में कांग्रेस, डीएमके, आप, बसपा और टीआरएस ने जो है वो समर्थन देने का ऐलान किया है। और अब तक 11 से ज्यादा विपक्षी दल हैं, 10 ट्रेड यूनियन हैं जो भारत बंद का समर्थन कर चुकी हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार को चेताया है कि अगर गतिरोध जारी रहता है तो आंदोलन दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश के लोग किसानों के समर्थन में उतरेंगे। तो मंगलवार यानी कि कल जो ये भारत बंद होने वाला है दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। दूध, फल व सब्जी पर रोक रहेगी, शादी व इमरजेंसी सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। तो ये थी टॉप 7 की पहली न्यूज। अब दूसरी खबर की ओर हम रुख करेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ है आज की सेकेंड टॉप न्यूज में। तो दिल्ली पुलिस ने नाकाम की है बड़ी साजिश, इस्लामिक खालिस्तान संगठन से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। बड़ी साजिश को कहीं ना कहीं जो आतंकवादी थे वो अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, और इनमें से 2 आतंकी जो हैं वो खालिस्तान और 3 कश्मीरी इस्लामिक आतंकी संगठन के हैं। इनके पास $1,00,000 हथियार और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस इनका किसान संगठनों से लिंक खंगालने में जुटी हुई है। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने कहा कि दिल्ली के शकरपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 पंजाब के, 3 कश्मीर के हैं। इनके पास जो है वो हथियार बरामद हुए हैं, जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया कि इनके पास हथियार और $1,00,000 जो है वो बरामद हुए हैं। तो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश को धराशायी कर दिया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। बात करेंगे अगली खबर की और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने भी मांगी कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत। ब्रिटिश कंपनी फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी आपातकालीन उपयोग प्राधिकार के तहत देश में कोरोना वैक्सीन का उपयोग शुरू करने की अनुमति मांगी। सीरम इंस्टीट्यूट ये आवेदन करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कंपनी ने भारतीय औषध महानियंत्रक DCGI से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई COVID-19 की वैक्सीन कोविशील्ड के उपयोग की अनुमति मांगी है, जिसका उत्पादन पुणे स्थित दुनिया के सबसे बड़े औषधि निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में किया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के विधानसभा क्षेत्र जोगिंदर नगर का विधायक कोरोना पॉजिटिव शादी समारोह में हुए थे शामिल। शादी समारोह में शरीक होने वाले निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा
कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक को हवाई मार्ग से दिल्ली जाना था, इसके चलते ही उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया और उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। राणा ने इसके बाद अपने निवास पर ही खुद को आइसोलेट कर लिया है। विधायक राणा ने लोगों से आग्रह किया है, जो भी उनके संपर्क में आए थे, कि एहतियात बरतें और खुद को क्वारंटीन जो है वो कर लें। उन्होंने कोरोना के लक्षण दिखने पर टेस्ट करवाने का भी आग्रह किया है। साथ ही आपको बता दूं कि विधायक राणा बीते कुछ दिनों पहले शादी समारोह में शामिल हुए थे। रुक करेंगे अगली खबर का और बताएंगे अगली खबर के बारे में आपको। अगली खबर भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और हिमाचल में एक और आगजनी का मामला आया सामने। पंखे बनाने वाली कंपनी में लगी आग, हुआ करोड़ों का नुकसान। यस फैन एंड अप्लायंसेस कंपनी में सोमवार यानी कि आज सुबह भीषण आग लग गई, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। कंपनी में तैयार हजारों पंखे जो है आग की भेंट चढ़ चुके हैं। करीब 200 मीटर क्षेत्र में फैला भवन पूरी तरह से आग की चपेट में है। कंपनी में सुबह 8 बजे से शिफ्ट शुरू होती है और ये आग करीब 7 बजे लग गई थी। कहा जा रहा है कि उस वक्त कंपनी में कोई कर्मी मौजूद नहीं था। इस वक्त भी मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें बचाव आग पर काबू पाने के लिए जुटी हुई हैं। आसपास के उद्योगों में भी आग को लेकर चिंता बनी हुई है और इसी के साथ हिमाचल में आगजनी के जो मामले हैं वो थम नहीं रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले कल शिमला के रोहड़ उपमंडल के टिक्कर इलाके के गुजांतली गांव में भीषण अग्निकांड में 16 कमरे जलकर राख हो गए थे। तो अब बात करेंगे हम हर रोज की तरह एंटरटेनमेंट की दुनिया की, क्या कुछ चल रहा है वहां वो आपको बताएंगे। अनिल कपूर की एक्टिंग को अनुराग कश्यप ने बताया खटारा। एक्टर ने दिया, अनिल कपूर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था कि मैंने एक बार कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, वो डिजर्व करते हैं। दिल्ली क्राइम की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। अच्छा लगता है ये देखकर कि अब हमारे और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। अनिल के ट्वीट पर अनुराग कश्यप ने लिखा, अच्छा लगा ये देखकर कि रिजर्विंग लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। वैसे आपका ऑस्कर किधर है? नो अच्छा नॉमिनेशन। अनिल ने जवाब देते हुए लिखा, आप ऑस्कर के करीब ही तब आए थे जब आपने टीवी पर स्लमडॉग मिलेनियर को ऑस्कर जीतते हुए देखा था। अनिल के ट्वीट पर अनुराग ने जवाब देते हुए लिखा, कहा जाता है कि के किंग ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, आप तो शायद इस फिल्म के लिए सेकंड चॉइस थे। अनुराग के ट्वीट पर अनिल कपूर ने फिर से लिखा कि किसी ने काम करने से मना किया और मैंने उसमें काम किया, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, काम काम होता है, तुम्हारे जैसे काम ढूंढते हुए बाल तो नहीं नोचने पड़ते। बात करेंगे खेल जगत की, क्या कुछ चल रहा है खेल जगत में। पांड्या हैं तो मुमकिन है, विरोधी बोले पहले उनके पास धोनी थे अब हार्दिक हैं। ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने भारतीय हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की दूसरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेले गई नाबाद पारी को अविश्वसनीय करार देते हुए उनकी तुलना पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से की। पांड्या ने आखिरी ओवरों में 22 गेंदों में 42 नाबाद रन की पारी खेलकर भारतीय टीम को 6 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 36 गेंदों में 52 रन की शानदार पारी खेली। लैंगर ने मैच के बाद ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैच के नजरिए से ये अविश्वसनीय पारी थी, हमें पता है कि हार्दिक पांड्या कितने खतरनाक हैं। इससे पहले हम धोनी को देख चुके हैं और पांड्या ने आज उसी तरह से बल्लेबाजी की, इस सत्र बेहतरीन बल्लेबाजी की, जाहिर है कि यह शानदार पारी थी। तो विरोधियों ने जमकर तारीफ की है हार्दिक पांड्या की और साथ ही उन्हें कंपेयर किया है पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से। ये थी खेल जगत की बात, अब बात करते हैं आज के खास ज्ञान की, क्या कुछ है आज आपके लिए खास ज्ञान में। तो दोस्तों आज के ज्ञान में मैं आपके लिए खास बात लेकर आई हूँ, एक समुद्री केकड़े का दिल जो है वो उसके सर में होता है। ये था आज का ज्ञान। अब आज के ज्ञान के साथ बात करते हैं कल के सवाल की। पिछले कल आपसे पूछा गया था एक सवाल जिसका सही जवाब किसने दिया है वो बताने का वक्त आ गया है। तो कल सवाल पूछा गया था कि भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी और मिस यूनिवर्स वो कब बनी। तो इसका सही जवाब दिया है सनी कुमार थीमान ने, जो कि हमारे श्रोता हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है मिस सुष्मिता सेन इन 1994, 1954 में बनी थी सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स। तो आज क्या सवाल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो भी आपको बता देती हूँ। आज मौका है उन लोगों के लिए जो कल सही जवाब सबसे पहले नहीं दे पाए,
तो आज का सवाल आप लोगों के लिए ये है, हिंदी सिनेमा की फिल्म थ्री इडियट्स किस वैज्ञानिक की जीवनी पर आधारित है? दीजिए हमें सही जवाब और बन जाइए हमारे फर्स्ट आंसर विनर। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर होता है समाप्त। तो इस तरह से हमें प्यार देते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और साथ ही सुनते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम जो हम आप जैसे खास श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं, क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक, श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता, श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।